हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास एंड यू आर वाचिंग मी ऑन आर्ट मैजिक बाय विकास। आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस फ्राइडे को रात के 8 बज चुके हैं, मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज हम करेंगे पेंटिंग। बहुत दिनों से हम लोग कर रहे थे पेंसिल स्केचिंग और उसके बाद कलर पोर्ट्रेट्स एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन, लेकिन पेंटिंग जो हमारा था वो कहीं थोड़ा सा पीछे छूटता जा रहा था। तो आज हम करने जा रहे हैं पेंटिंग। हाँ, पेंटिंग करने जा रहे हैं, बट यहाँ पे आज हम पेपर पे पेंटिंग नहीं करेंगे। अरे रुकिए रुकिए, बताता हूँ किस पर हम पेंटिंग कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं पॉट पेंटिंग। मेरे गार्डन में बहुत सारे मेरे पॉट्स पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हें एक नया मेकओवर दिया जाए और अपने बालकनी को एक बहुत ही अच्छा लुक दिया जाए। तो मैं इस सीरीज में आपको अपने जितने भी पॉट्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस को पेंट करके आपको दिखाऊंगा और आपको ट्यूटोरियल दूंगा कि किस तरीके के मैंने अपने पॉट्स को एक थीम में बट डिफरेंट डिज़ाइंस के साथ उनको अपने बालकनी में सेट किया है। तो बिना समय गवाए लेट्स स्टार्ट विद द पॉट पेंटिंग। तो ये है हमारा पॉट। यहाँ पे मैंने अपने पॉट को सबसे पहले एक बेस कलर किया है येलो कलर, जो ब्राइट येलो कलर होता है उस कलर से मैंने अपने जितने भी पॉट्स हैं उनको एक बेस लेयर दे दी है। और इसके लिए मैंने सेकंड कलर पहले सोचा रेड कलर, बट यहाँ पे मेरे पास दो टाइप के पॉट्स हैं। एक है जो मैं अभी पेंट कर रहा हूँ सिलेंड्रिकल स्ट्रेट पॉट्स, और दूसरे हैं मेरे पास एकदम सीमेंटेड जो थोड़े ए लाइन स्ट्रक्चर के पॉट्स होते हैं वो वाले। तो उनको मैंने ऑलरेडी रेड एंड येलो के थीम में कर लिया। एंड अब आई वांटेड कि मैं इसके अंदर एक डिफरेंट कलर्स को यूज़ करूं, तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना डार्क ब्लू, जो नेवी ब्लू होता है, उस कलर का इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो मेरे कलर्स जो मैंने येलो कलर यूज़ किया है उसके ऊपर ये कलर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, और उसके बाद जो भी मैं डिज़ाइन बनाऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा इसके ऊपर। तो जो येलो कलर है उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ब्लू, उस कलर का मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। कलर सिलेक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ स्पेस। आप किसी भी स्पेस को क्रिएट कर रहे हैं तो उसका आपका एक थीम होना चाहिए जिसको फॉलो करते हुए उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट लेयर में एक ब्रॉड बैंड टाइप बनाया है ऊपर, उसके बाद एक पतली थिन लाइन बनाई है, फिर उसके बाद गोल गोल छोटे छोटे सर्कल्स बनाए हैं, फिर से मैंने एक पतली लाइन बनाई है, और उसके बाद यहाँ पे मैं जो ये लरी के शेप का गोल 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 डिज़ाइन बनाते जा रहा हूँ। तो यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक ड्रॉप शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी स्पेसेस हैं उसके बीच में वहाँ से मैं एक ड्रॉप शेप का डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लूँगा। अब यहाँ तक हमने जितना भी बॉर्डर एरियाज था वो बना लिया है। नेक्स्ट, अब हम इसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए थोड़ा सा सिंपल वे में जाएंगे, ताकि हमारा जो गमला है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, दूर से देखने में लगे कि हाँ कुछ डिज़ाइन है बट इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले zigzag lines का डिज़ाइन बनाया है, जैसे माउंटेन्स होते हैं W शेप आप बोल सकते हैं या M शेप। उसके बाद उसको फॉलो करते हुए मैं पूरे के पूरे नेकलाइन पे जैसे चल रहा है वैसे बनाते जाऊँगा। देख सकते हैं कि फर्स्ट लेयर जो मैं थोड़ी मोटी बना रहा हूँ, जो पेंट ब्रश इसको डबल स्ट्रोक मार के उसको थोड़ा थिक कर रहा हूँ। अब मैं बनाऊँगा लेयर नंबर 2। लेयर नंबर 2 में भी हम सेम डिज़ाइन को फॉलो करते हुए नीचे तक जाएंगे, बॉटम एरिया तक हम जितना बना सकते हैं, बट इसमें मैंने अपने जितने भी स्ट्रोक्स को हैं उनको थिन रखा है, बहुत ही ज़्यादा मोटा मैंने नहीं रखा। तो इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम नीचे चले जाएंगे और इस पॉट को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा और प्यारा सा पॉट पेंटिंग का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोज़ आपको हर फ्राइडे 8 बजे मिलेंगी। तो एंजॉय, दिस इज द फाइनल लुक। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये पॉट पेंटिंग वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए,
और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मैं आपको जल्द ही मिलता हूं नई वीडियो के साथ नेक्स्ट ट्यूसडे को। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।